सवाल कर भी लिया करो, हाले नहीं आंदे हमला में इस्तेमाल कर सकते हैं। कल में ऑलरेडी बताया था कि वो हमला में हर सूरत में आप ना आखिरी सांस तक भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुन्ना जी नवा सवाल छेड़ो। मैं के छेड़े या दो सवाल हूँ छेड़े, फिर कल दोबारा पूछ ली देने जिस टाइम मतलब कि कल सवाल बारे था देखो सवाल हो गए तो उनते लाना है। सर जी ये था इस्तेमाल यानी जेड़ा गर्दन दे विच है या बैक साइड पे? बैक साइड पे बकरी या सब तो अच्छी जगह बैक साइड इंजेक्शन लगाना है। साजी हमारे मुशाहदे में आपके अंडर सुपरविजन ये बात काफ़ी आई है, जैसे एनको 10 का आपने कल हमें कंप्रेहेंसिवली डिटेल वाइज वो तमाम उसके बेनिफिट्स और उसके इफेक्ट्स जो है पॉजिटिव वो बताए, तो आप अक्सर उसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे जहन में कन्फ्यूजन आ जाता है। आज हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि जब हम उसको लगाते हैं तो क्या उस बकरी के बच्चे को या बकरी को बुखार हो आप उसको रिकमेंड करते हैं? जब उसको पोटियाँ वगैरह पेचस वगैरह जैसे ही लगे हुए हैं तब आप कभी कभार उसका इस्तेमाल कर लेते हैं या साथ ड्राई पर्सन का कर लेते हैं? ये ज़रा डिटेल वाइज हमको बताएं कि ड्राई पर्सन के क्या साइन हो बकरी में या बकरे में या बड़े बक्स में कि फिर हम इनको 10 की तरफ जाएँ, इस पर थोड़ी सी ज़रा तफसील। जब आपका जानवर को टेम्परेचर है ना, ATV की बीमारी की अलामत नहीं है। ATV की बीमारी की अलामत में जानवर के पेचस चल पड़ेंगे, वो पेचस का कलर भी चेंज हो जाएगा, जैसे आपने देखा है बच्चों में कि कलर पेचस का चेंज हो गया, देखा है ना, ये डायरेक्ट ही दूध निकालना शुरू कर दिया, पानी निकालना शुरू कर दिया, तो उसमें आपने जो है ना इंक्वायर का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं करना उसमें आपको इंक्वायर का रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आपको पता है कि हमारे जानवर को 2 दिन से टेम्परेचर आ रहा है और टेम्परेचर के बाद बड़े जानवर को पेचस लगे हैं तो उससे ये पता चला है कि ये बीमारी अंदर से खारिज हो रही है, वो पेचस का कलर चेंज नहीं होगा, उसमें आप जो पहले इंजेक्शन दे रहे हैं वो ही देना है। इसमें ये चीज़ है कि जब जानवर को बुखार होगा ना तो टेम्परेचर नहीं, आप इनक्वायर 10 का इस्तेमाल करें, ठीक होगा। जब आपको फर्स्ट टाइम ही जानवर को टेम्परेचर पेचस मिले हैं और पेचस के बाद टेम्परेचर हुआ तो फिर जिसका आप ना ले रहे जिसके बारे में हम कल बताएंगे वो चलेगा। सवाल हाँ जी साहब, नर्वस सिस्टम आपने कुछ कहा? नर्वस सिस्टम ये जो नसें होती हैं नर्व थोड़ी सर, वो आपने कहा जो गर्दन लगाए वो ज़्यादा करीब होता है, वो जो पकड़ी के टांग पे लगाते हैं कभी कभार हो जाता है, ज़्यादा नहीं, अगर हो भी जाएगा तो तकरीबन हफ्ते 1.5 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ठीक होगा। अगर हो गया तो आप उसको कोई भी हीट आप चीज़ के साथ ना गर्म कपड़े के साथ कोई भी चीज़ को गर्म करके कपड़े में उसको लपेट के उसका इस्तेमाल कर ले वो ठीक हो जाएगा, बर्फ़ की टकोर कर ले वो ठीक हो जाएगा। वो इंजेक्शन रुक जाता है, रुकने की वजह से वो सूजश आ जाती है, वो उसके पट्टे नसों को टाइट कर देता है, टाइट करने की वजह से वो वर्क नहीं करते, उनको अपना जो खिलाव ख़त्म हो जाता है। तो अगर गर्दन में प्रॉब्लम बन जाएगी तो गर्दन की प्रॉब्लम आपसे जो नया आदमी से क्लियर नहीं होगी, ठीक हो गया, तो जो बैक साइड की प्रॉब्लम वो नया आदमी क्लियर कर लेगा, लंगड़ाना शुरू कर देगा तो वो तकरीबन हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। यानी कि नवे ट्रेनर जो बंदे ने ना सब तो बेस्ट जो बैक साइड जगह बकरी की बैक साइड है, नवे या पुराने गोश्त वाला है। बहुत शुक्रिया सर, ये आज की क्लास तो कल की क्लास के साथ दोबारा जो है मौका मिला। क्या